सभी छात्राध्यापकों को मेरा नमस्कार। आज श्रावणी तीज के पावन त्यौहार के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो क्लास है हमारी, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर श्री अग्रसेन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निरंतर संचालित की जा रही है, उसके अंतर्गत हमने कोर्स नंबर 15 प्रारंभ किया है, जिसमें हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पर हमने चर्चा प्रारंभ की थी। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत हमने कंकाल तंत्र प्रारंभ किया था और पिछली कई क्लासों में हमने उसके बारे में समझा है। आज जिसके बारे में हमने चर्चा की थी पिछली क्लास में, होता कशेरुक दंड, या इसी को हमने बोल दिया था मेरु दंड, या इसी को हम बोल सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम, या इसी को हम बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ बोल सकते हैं, रीढ़ की हड्डियाँ मतलब तो बहुत सारे कशेरुक हो गए, इसको हम रीढ़ के नाम से जान सकते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि कशेरुक जो होते हैं उनका विभाजन, जब हमने आपसे चर्चा की थी कि मुख्यतः कितने प्रकार के आपको बताए थे, 5 भागों में हमने बांटा। पहला है जो गर्दन में कशेरुक स्थित होते हैं, जो ग्रीवा कशेरुक कहलाते हैं, जो 1 नंबर से लेकर और 7 तक इनकी संख्या होती है, 1 से लेकर के 7 तक संख्या होती है ग्रीवा कशेरुक की। उसके बाद आता है बक्षीय कशेरुक का भाग, जो 1 से लेकर और 12 तक होते हैं। फिर आते हैं कटी कशेरुक, जिनकी संख्या होती है 5। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि और कौन कौन से भाग आते हैं, तो सेक्रम आता है और कॉक्सिक्स का भाग आता है, और कॉक्सिक्स जिसको बोल सकते हैं हम कॉक्सिक्स, या फिर इसको बोल सकते हैं हम सेक्रम को ही बोलते हैं त्रिक, और इसको बोलते हैं अनुत्रिक। ये दोनों कैसी हैं ये आप ध्यान रखेंगे कि प्रथम जो 3 कशेरुक होते हैं वो जीवन भर गतिशील होते हैं। क्या रहते हैं? जीवन भर ये गतिशील कशेरुक कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं गतिशील कशेरुक? क्योंकि ये जीवन भर क्या रहते हैं, एक दूसरे से पृथक रहते हैं। और जो अंत के जो 2 कशेरुक होते हैं, त्रिक और अनुत्रिक, जिनको हमने नाम दिया है सेक्रम और कॉक्सिस, जिनको नाम दिया है, वो जो होते हैं हमेशा कैसे कहलाते हैं, स्थिर कशेरुक कहलाते हैं। क्योंकि ये जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। तो हम इस बात पर विशेष ध्यान देंगे, ये गतिशील कशेरुक होते हैं और ये स्थिर कशेरुक होते हैं। अब क्या होता है, प्रथम जो 2 ग्रीवा कशेरुक होते हैं, जो प्रथम 2 ग्रीवा कशेरुक होते हैं, उनके अंत के बाद के सारे जो ग्रीवा कशेरुक होते हैं उनकी सबकी संरचना कैसी होती है, एक समान होती है, सभी गतिशील कशेरुक। तो गतिशील कशेरुक कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक सारे कशेरुकों की संरचना कैसी होती है, एक जैसी होती है। केवल प्रथम 2 जो होते हैं उनकी संरचना डिफरेंट होती है। यहाँ पर आपको जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, ये एक ग्रीवा कशेरुक है, और एक ग्रीवा कशेरुक को जब हम इसकी काट देखते हैं तो उसके अंतर्गत हमें मुख्यतः 2 भाग दिखाई देते हैं। एक भाग होता है पिंड या काय, ये बड़ा भाग जो होता है, चौड़ा भाग है ये पिंड, या इसी को बोलते हैं काय, या इसी को हम बोल देते हैं इंग्लिश में बॉडी। दूसरा होता है इसको हम जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा होता है, जो कि किसको घेरे रहता है, इस मेरुदंड केनाल को घेरे हुए रहता है, इसको बोलते हैं हम न्यूरल चाप, न्यूरल चाप या तंत्रिकीय चाप जिसको हम कह सकते हैं। तो ये न्यूरल चाप होता है जो किसको घेरे रहता है, इस न्यूरल केनाल को या मेरुदंड केनाल को घेरे हुए रहता है। और इस मेरुदंड केनाल से होकर के क्या गुजरता है, स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु जो होता है वो इसी में से होकर के गुजरता है। अब बात करते हैं कि 2 भाग हमने बताए आपके लिए, 2 मुख्यतः भाग बताए थे आपके लिए, एक होता है बॉडी और दूसरा होता है न्यूरल चाप। अब इसमें देखते हैं कि जो ग्रीवा कशेरुक होते हैं वो उसके अंतर्गत कैसी आकृति होती है, न्यूरल चाप कैसा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, बच्चे कशेरुक के अंदर कैसा होता है। तो जब हम बात करते हैं ग्रीवा कशेरुक की, तो ग्रीवा कशेरुक जो होते हैं वो सबसे छोटी होती हैं, आकार में कैसी होती हैं, सबसे छोटी होती हैं ग्रीवा कशेरुक। ग्रीवा कशेरुक हमेशा आकार में कैसी रहती हैं, सबसे छोटी होती हैं। और इनका न्यूरल चाप जो होता है,
वो न्यूरल चाप जो होगा कैसा होगा, ये न्यूरल चाप इनका हमेशा कैसा होगा, बड़ा होगा। किसका? ग्रीवा कशेरुक का। ग्रीवा कशेरुक के अंतर्गत यदि हम बात कर रहे हैं तो ग्रीवा कशेरुक सबसे छोटी होती हैं और इनका न्यूरल चाप जो होता है वो बड़ा होता है। इसका जो स्पाइनस प्रोसेस होता है इसको हमने द्विभाजित कंटक प्रवर्ध के नाम से हिंदी में जानते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस के नाम से। ये जो होता है वो दो भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि ये ग्रीवा कशेरुक हैं, इनका न्यूरल जो स्पाइनस प्रोसेस है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। लेकिन यही हम जाते हैं आगे चल के तो ये सातवीं ग्रीवा कशेरुक जो होती है जो कि गर्दन के अंतिम सिरे पर स्थित है, सातवां जो वर्टिब्री है गर्दन का, वो क्या होता है, वो उसके अंदर का ये स्पाइनस प्रोसेस जो होता है वो विभाजित नहीं होता है, द्विशाखित नहीं होता है, दो भागों में बटा हुआ नहीं होता है। इसका जो छोर होता है अंतिम छोर, जो गर्दन का अंतिम छोर है, वहाँ पर एक ओवलनुमा संरचना जो होती है दिखाई देती है। यदि आप अपने गर्दन के अंतिम हिस्से में जाके देखोगे तो एक ओवलनुमा संरचना आपको इस प्रकार की गर्दन पर दिखाई देती है। इस ओवलनुमा जो संरचना है जो गर्दन पे यहाँ स्थित होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूबरकल, इसको हम बोलते हैं ट्यूबरकल के नाम से इसको जाना जाता है। जिस के अंतर्गत क्या होता है, इसको यदि हम गर्दन के कहाँ देख रहे हैं, निचले हिस्से में देख रहे हैं, इसलिए इसको हम उन्नत क्या बोल सकते हैं, इसको उठा हुआ भाग है, इसलिए इसको हम उन्नत कशेरुक के नाम से जानते हैं, उन्नत कशेरुक या उन्नत कशेरुका के नाम से जानते हैं। और यदि हम इंग्लिश की इसकी चर्चा करें कि इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे तो वर्टिब्रा प्रोमिनेंस कहेंगे, वर्टिब्रा प्रोमिनेंस होता है। तो ये एक अच्छा प्रश्न है कि जो भाग होता है उठा हुआ भाग है सातवां कशेरुक का, वो क्या होता है, वो द्विभाजित नहीं होता है और ओवार लिया होता है, इसको ट्यूबरकल के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है सेकेंडली कि बख्य कशेरुक के अंतर्गत न्यूरल चाप कैसा होता है। तो बख्य कशेरुकाओं की यदि हम बात कर रहे हैं तो पहली बात तो इनकी बॉडी की बात करते हैं, पिंड की बात करते हैं, तो इनकी जो काय होगी वो किस प्रकार की होगी, सबकी काय अलग अलग आकृति की होती है। तो जो बख्य कशेरुक होते हैं इनके अंतर्गत जो बॉडी होती है वो हार्ट शेप्ड होती है, हृदय के आकार की होती है। बॉडी वाला जो भाग है वो कैसा होगा, हार्ट शेप्ड की आकृति की होता है। दूसरा, अपेक्षाकृत क्या होती हैं, ये बड़े आकार की होती हैं। ग्रीवा कशेरुकों की यदि हम तुलना कर रहे हैं, ग्रीवा कशेरुक की तुलना में जो बख्य कशेरुक होते हैं वो कैसी होती हैं, उनके अंतर्गत क्या ये काय ये बड़ी होती हैं, ग्रीवा कशेरुक छोटी होती हैं और बख्य कशेरुक इनकी तुलना में बड़ी होती है। यहाँ जो पिंड होता है बख्य कशेरुकों के अंतर्गत, बॉडी का जो पार्ट होता है वो हार्ट शेप्ड होता है। अब बात करते हैं हम कटी कशेरुक के अंदर, कटी कशेरुक के अंतर्गत क्या होता है, ये कटी कशेरुकाएँ जो होती हैं लंबर जो रीजन होता है, पुच्छ जो भाग होता है कशेरुक का, वो सबसे बड़ी होती हैं। कैसी होती हैं, सबसे बड़ी होती हैं। और इनका जो हम बात कर रहे हैं काय, जो हार्ट शेप्ड था बख्य कशेरुक के अंतर्गत, इनके अंतर्गत कैसा होता है, किडनी शेप्ड, किडनी के आकृति का बॉडी इनके अंतर्गत होती है। तो अन्य कशेरुकाओं की अपेक्षा बड़ी काय भी है और ये सबसे बड़ी भी होती हैं। अब बात करते हैं हम त्रिकास्थि की या सैक्रम की। सैक्रम पार्ट या त्रिक जो पार्ट होता है वो त्रिकोणीय अस्थि होती है जो निचले भाग में स्थित होती है। इसके बाद आता है अनुत्रिक जो संयुक्त होने से बनता है, जिसमें के अंदर चार जो होती हैं अस्थियां जो होती हैं वो मिलती हैं। और अल्प विकसित जो कशेरुकाएँ होती हैं उनकी संधि से ये अस्थि का निर्माण या कशेरुक का निर्माण होता है, अल्प विकसित कशेरुक होते हैं, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये ऊपर की ओर किससे जुड़ी हुई है, त्रिक अस्थि से जुड़ी हुई, कशेरुक से जुड़ी हुई रहती है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ कर्व पाए जाते हैं और वो कर्व कैसे कैसे होते हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कर्व का मतलब होता है जैसे पठार होते हैं, पहाड़ी ऐसी संरचना होती है, वक्र जिसको हम बोल सकते हैं, जैसा मैंने वो डायग्राम आपके लिए बनाया हुआ है। तो ये सीधा सा स्पष्ट है कि यहाँ क्या है, ये ग्रीवा कशेरुक हैं और इनका जो कर्व है वो क्या है, ये कर्व जो दिखाई दे रहा है ग्रीवा कशेरुक का वो कहाँ की तरफ दिखाई दे रहा है, ये गर्दन में तो है ग्रीवा कशेरुक
और इनका उभार जो होता है वो आगे की ओर होता है। ये उभार किधर की तरफ हो रहा है इनका? आगे की तरफ होता है। तो ये कर्व कैसा हो गया? आगे की तरफ उभार हो गया, आगे की तरफ इनका उभार होता है ग्रीवा कशेरुक का। जब हम बात करते हैं बख्य कशेरुक का, ये कहाँ चला गया? अंदर की तरफ। तो इनका जो वक्र है, कर्व है, वो कैसे चला गया? पीछे की ओर। कैसे चला गया? पीछे की ओर चला गया। ये उभरा हुआ है आगे की ओर, ये पीछे की ओर चला गया बख्य कशेरुक का कर्व। इसके बाद हम बात करते हैं कटी कशेरुक का। तो कटी कशेरुक का जो होता है, ये वाला हिस्सा ये बख्य का है और ये वाला कटी का है। और कटी वाला जो हिस्सा है वो आपको दिख रहा है कैसा? आगे की तरफ उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका जो वक्र है वो आगे की तरफ उभरा हुआ होता है कटी भाग का। यदि हम पेल्विक रीजन की बात कर रहे हैं, श्रोणि भाग की बात कर रहे हैं, जहाँ त्रिक और अनुत्रिक हैं, तो ये क्या होता है? पीछे की तरफ उभरा हुआ होता है। इसका मतलब पीछे की तरफ जो उभरा हुआ पार्ट है वो किसका कहलाता है? ये होता है श्रोणि कशेरुक का, या इसको हम बोल सकते हैं पेल्विक कर्व, श्रोणि वक्र इसको हम कह सकते हैं, श्रोणि वक्र के नाम से इसको हम जान सकते हैं। अब क्या होता है, जो बख्य भाग है और जो श्रोणि भाग है, इनके जो दो उत्तल वक्र जो होते हैं, कैसे वक्र होते हैं? उत्तल मतलब उठे हुए जो वक्र हैं, उत्तल जो वक्र हैं किसके? बख्य भाग के और श्रोणि भाग के, कि दो जो उत्तल वक्र हैं वो प्राथमिक कहलाते हैं। दो उठे हुए जो वक्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक कहलाते हैं, वो प्राथमिक कहलाते हैं। ये तो हो गए पीछे की ओर वाले, ये दो उत्तल वक्र हैं किस तरफ के वाले? पीछे की तरफ वाले, जो श्रोणि के वाला है और बख्य वाला है, और पीछे की तरफ जो उत्तल में उठे हुए रहते हैं। इस प्रकार से जो संरचना है, उत्तल मतलब ऊपर की ओर उठी हुई संरचना होती है, जिसको हम इंग्लिश में कन्वेक्स के नाम से जानते हैं। तो कन्वेक्स जो कर्व होता है उसके अंतर्गत ये प्राथमिक कहलाते हैं। तो इसका बख्य का एक, श्रोणि का जो दो उत्तल वक्र होते हैं जो पीछे की ओर होते हैं वो प्राथमिक कहलाते हैं। इसी प्रकार से दो उत्तल वक्र बख्य भाग और श्रोणि भाग के, जो कि आगे की तरफ होते हैं, किधर की तरफ होते हैं? आगे की तरफ होते हैं, वो द्वितीयक होते हैं। कैसे होते हैं? वो सेकेंडरी कहलाते हैं। और जब हम चर्चा करते हैं जो प्राथमिक वक्र कहलाए, कि प्राथमिक क्यों कहलाते हैं, कि जब बच्चा गर्भावस्था के अंतर्गत होता है तो गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, मेरुदंड क्या होता है, कि जो दो उत्तल वक्र होते हैं वो गर्भावस्था के समय से ही एक बच्चे के अंतर्गत क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये प्राथमिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये गर्भावस्था के समय से ही मेरुदंड के अंतर्गत या कशेरुक दंड में पाए जाते हैं, ये हम ध्यान देंगे। अब गर्भावस्था में क्या होता है कि जो मेरुदंड होता है वो पूरी तरह से पीछे की ओर उभरा हुआ होता है और सी की आकृति में होता है। ये भी एक अच्छा प्रश्न बन जाए कई बार, तो हो सकता है कि मेरुदंड जो होता है वो गर्भावस्था के दौरान कैसा होता है, पीछे की ओर उभरा हुआ होता है, सी आकृति में होता है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और इसके अंतर्गत क्या होता है, सिर जो होता है वो नीचे बख्य जो भाग है उसकी तरफ क्या रहता है, झुका हुआ होता है। सिर का जो भाग है, बच्चे का जो सिर होता है गर्भावस्था के दौरान, वो बख्य भाग की तरफ नीचे झुका हुआ होता है। दूसरा क्या होता है, जो पेल्विक ग्रिडल होती है, जो श्रोणि भाग है, वो कहाँ रहती है, वो धड़ की तरफ क्या रहती है, मुड़ी हुई रहती है। ये जब भी बच्चा का जन्म जो होता है वो किसकी तरफ से होता है, सिर के भाग की तरफ से होता है, शीर्ष भाग की तरफ से होता है, क्योंकि उसका शीर्ष जो होता है वो बख्य की तरफ झुका हुआ रहता है। और श्रोणि कर्व की हम बात कर रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है। दूसरा, अब बच्चे में हम बात आती है कि ये ग्रीवा कशेरुक का निर्माण कब होता है, या ग्रीवा वक्र की हम बात कर रहे हैं, कर्व की बात कर रहे हैं, तो ग्रीवा वक्र कब बनता है? ग्रीवा वक्र तब बनता है जब बच्चा क्या होता है, गर्भावस्था के अंतर्गत वातावरण का निरीक्षण करने का प्रयास करता है, तो अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर सिर को ऊपर उठाता है। सिर को ऊपर उठाने से क्या होता है, उसके अंतर्गत ये ग्रीवा के अंदर जो है उभार उठने लगता है, जो कि किसकी तरफ रहता है, हमेशा आगे की ओर होता है। तो ये बच्चे के जन्म के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। जब अपना सिर बच्चा
वातावरण के निरीक्षण के लिए गर्भावस्था मोटाता है तो ग्रीवक वक्र का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जब हम कटिभाग की बात करते हैं तो बच्चा जब घुटनों के बल सरकता है, वह खड़े होने का और चलने का प्रयत्न करता है, तब उसके अंतर्गत किस भाग का निर्माण होता है? कटी कर्व का निर्माण होता है। और कटी कर्व जो होता है वो आगे की ओर उभरा हुआ रहता है, बक्षीय भाग जो होता है वो पीछे की ओर होता है। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि ग्रीवा कशेरुकाएँ हमेशा कैसी हैं? सामने की ओर हैं। ग्रीवा कशेरुकाएँ जो हैं वो सामने की ओर हैं, इसका मतलब ऊपर की तरफ उठी हुई हैं तो उत्तल होती हैं। इसके अलावा बक्षी की हम बात कर रहे हैं, ये पीछे की ओर उत्तल हैं। हमने बताया था पीछे की ओर क्या है, ये उत्तल है, यहाँ से उभरी हुई हैं पीछे की तरफ से। जब कटिभाग की हम बात कर रहे हैं तो कटिभाग के अंदर की जो कशेरुकाएँ होती हैं वो आगे की ओर उत्तल होती हैं। इसी प्रकार से जब हम श्रोणि की बात करते हैं तो वो पीछे की ओर उत्तल होती हैं। ये पीछे की ओर क्या है? उत्तल पार्ट होता है, श्रोणि वाला जो पार्ट होता है ये पीछे की ओर उत्तल होती हैं। इस प्रकार से जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो ये कशेरुक दंड के अंतर्गत के कर्व पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये कर्व की संरचनाएं होती हैं। और अब जो हम आगे चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट क्लासेस में चर्चा करेंगे। आप इसको अच्छी प्रकार से देखें, समझें और इसको नोट डाउन करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।